हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, कुशल होंगे। तो दोस्तों आज की किचन टिप्स काफ़ी यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ और दोस्तों आपका काम भी काफ़ी आसान होने वाला है। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला है एक टिप इस तरीके से हमारा एयर कंटेनर डिब्बे को लेके है। कांच की शीशी हो या प्लास्टिक की इस तरीके से डिब्बा हो, तो दोस्तों जब इसका कोई चीज़ हम रख देते हैं तो आपने देखा होगा जब इसका ढक्कन गुम हो जाता है तो हम सोचते हैं कि हमारा ये सामान ख़राब हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से बैलून ले लेना है। बैलून लेने के बाद अब आपको करना क्या है, इस तरीके से एक बैलून को फुला लेना है और फुलाने के बाद बस आपको इस तरीके से रख लेना है इसके ऊपर। अब इसका हवा खोलते जाएंगे, इसी तरीके से छोड़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ तक कि दोस्तों आप देखेंगे ना, ये जो बैलून है, ये जो ढक्कन एयर कंटेनर, ये जो कांच की बोतल है, इसके ऊपर बहुत इजीली तरीके से कवर हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ये ढक्कन का काम करता है। तो इसी तरीके से आप अपने एयर कंटेनर जो डिब्बा होता है इसको आप बहुत इजीली तरीके से सामान को सेफ रख सकते हैं। जब भी इसका ढक्कन मिले आप इसको इजीली तरीके से लगा सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आपके साथ इस तरीके से ढक्कन नहीं मिलता है तो आप इस पर बैलून को ले लेना है, लगा लेना है। तो आप देखेंगे ना कि बहुत इजी तरीके से ये सेट हो जाता है। तो मैंने निकाल दिया है, अब मैं इसको आपको दोबारा भी दिखाती हूँ इसको फुला के, कि ये बहुत इजी तरीके से इस पर सेट हो जाता है। जब भी आपके साथ इस तरीके से हो जाए तो इस पर लगा देंगे, कोई भी चीज़ रहे आपका ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए अगला है टिप देख लेते हैं दोस्तों, इस तरीके से बर्तन को लेके है। तो दोस्तों हमारे घर में ढेर सारे बर्तन रहते हैं, तो लेकिन क्या होता है हम इसको अलग अलग रखते हैं तो स्पेस जगह काफ़ी सारा लगता है, जगह घेर लेता है। तो देखिए दोस्तों जब भी हम बर्तन लेते हैं तो क्या करना है आपको, छोटे बड़े छोटी मतलब मीडियम साइज़ के बर्तन लेने। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा नीचे वाला भगोना थोड़ा बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा मैंने भगोना डाला, फिर उससे छोटा डाला, अब फिर बिल्कुल उससे छोटा। तो दोस्तों इस तरीके से होता क्या है कि हमारा ज़्यादा जगह नहीं घेर के छोटी से छोटी जगह में हमारा ढेर सारे बर्तन आ जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने 3 से 4 भगोने एक साथ रख लिया। तो दोस्तों मेरे पास और सारे भगोने हैं तो मैं इसी तरीके से स्पेस बना के अपना रखती हूँ भगोने के अंदर ही भगोना। दोस्तों ये मेरा कांच की बोतल है, ये हनी की बोतल है, तो ये बोतल काफ़ी अच्छा है। तो देखिए ऐसी बोतलें में जब हम कोई सामान रखते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो देखिए इसका ये जो लेबल होता है ना काफ़ी गंदा लगता है देखने में, तो इसका लेबल हम छुड़ाए कैसे, अगर इसको हम सूखा उतारते हैं तो बिल्कुल भी नहीं उतरता है ये। तो मैंने गर्म पानी ले लिया है भगोने में, बस आपको क्या करना है गर्म पानी के साथ इसको किसी चीज़ से ऐसे दबा के रख देना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे थोड़ा दूसरी बोतल मैं इसके ऊपर रखी हूँ कि इसका ये जो लेबल है ना अच्छी तरीके से ये भीग जाए। तो देखिए मैं इसका ये जो ढक्कन है इसको खोल के मैं इसके अंदर रखने वाली हूँ, तो ढक्कन खोल के रख दिया तो काफ़ी इजी तरीके से इसके अंदर दब चुका है। और ये जो इसका लेबर है मुझे इसको छोड़ देना है इसमें 10 मिनट के लिए, तो इसका लेबल बहुत इजीली तरीके से ये इसमें फूल जाता है। तो दोस्तों जब इसको छुड़ाएँगे ना बहुत इजी तरीके से छूट जाता है, छूट तो जाता है दोस्तों ठंडे पानी से, लेकिन क्या नहीं इसका ये जो गम है नहीं उतरता है। तो जब भी इस तरीके से लेबल छुड़ाए तो आप गर्म पानी में इस तरीके से भिगो के और छुड़ाएँगे तो आप देखेंगे बहुत इजी तरीके से हो जाता है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा चाकू का हेल्प ले लेती हूँ, मुझे जल्दी छुड़ाना है क्योंकि आगे मुझे बहुत ही इसमें काम भी करने हैं। तो देखिए मैं इसको छुड़ा ली हूँ चाकू के हेल्प से, जितने भी इसके गम हैं ना बहुत इजीली तरीके से ये साफ भी हो जाते हैं गर्म पानी से। दोस्तों यही एक फ़ायदा है कि हमारा टाइम नहीं बर्बाद होता है और टाइम के साथ साथ हमारा काम भी बहुत इजीली तरीके से हो जाता है। तो एक तो मैंने छुड़ा दिया है, इसको मैं थोड़ा सा प्रेस कर लेती हूँ, इसका जो गम है अच्छे तरीके से छूट जाएगा। दूसरी बोतल को तो मैं बाद में साफ़ करके दिखाऊँगी। तो चलिए मैंने साफ़ कर लिया है, तो आप देख पा रहे हैं लेबल उतारने के बाद कितना क्विट्स है, ये कांच की जार लग रही है, ग्लास काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों जब भी इस तरीके से लेबल उतारना है ना तो इस तरीके से गर्म पानी में आप रखेंगे, इसको 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे तो बहुत इजीली तरीके से ये छूट भी जाता है। तो आप देख पा रहे हैं दोनों में से कितना प्यारा ये ग्लास लग रहा है जो मैंने लेबल उतारा हुआ है। तो दोस्तों इसी तरीके से लेबल आप उतार सकते हैं। तो अगला है टिप दोस्तों इस तरीके से हमारे पार्टी वेयर चूड़ियों को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है हर किसी के घर में जगह नहीं होता है, रखने की व्यवस्था नहीं होता है, डिब्बा नहीं होता है, हम इस चूड़ियों को कैसे रखें, स्टोन ख़राब हो जाता है और इसमें जो नग वगैरह लगे रहते हैं वो भी ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों इसको रखने के लिए हमें क्या करना है, हम सभी के घर में मोजे तो ख़राब रहते ही हैं, तो मोजे को आज हम इस्तेमाल करेंगे, चूड़ी रखेंगे।
तो देखिए मोजा को मुझे उल्टा कर लेना है, और उल्टा करने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे कि जो चूड़ी है ना मुझे इस तरीके से डाल लेना है, डाल लिया है। अब देखेंगे कि मैं चूड़ी बाहर नहीं निकालूंगी, बस चूड़ी को मुझे बीच सेंटर में रख लेना है, जो पीछे वाला पार्ट है इलास्टिक वाला, बस इसको मुझे पलट के चूड़ी के ऊपर कर लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ये परफेक्ट है। तो मुझे इसी तरीके से जो ये मोजा है इसके ऊपर मुझे पलट लेना है। तो चलिए मैंने इसको पलट लिया है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने घर में ढेर सारे चूड़ियाँ, पार्टी वेयर चूड़ियाँ भी अच्छे नए मोजे में भी रख सकते हैं। तो देखिए बहुत जल्दी तरीके से रख सकते हैं आपके, अगर कहीं लंबे सफ़र में जा रहे हैं, गांव वगैरह घूमने जा रहे हैं या टूर्स वगैरह घूमने जा रहे हैं, तो कभी होता है ना कि हम साड़ी के साथ के या सूट के साथ के चूड़ियाँ वगैरह ले जाए, तो देखिए इसमें बहुत ही सेफ्टी आपकी चूड़ी जाने वाली है। अब बहुत इजीली तरीके से जब भी निकालना है बस ये वाला पार्ट खींच लीजिए, अब बहुत इजीली तरीके से आपका निकल जाएगा और सेफ्टी का सेफ्टी भी रहेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपनी चूड़ियों को लंबे समय तक, लंबे टूर तक के भी ले जा सकते हैं। तो चलिए अगला हेड ट्रिक देख लेते हैं, ये मोमबत्ती को लेके हैं। तो दोस्तों मोमबत्ती तो हर कभी किसी ना किसी को ज़रूरत पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है हर किसी घर में इन्वेटर नहीं रहता, लाइट चली जाती है, तो मोमबत्ती का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने देखा है मोमबत्ती बहुत जल्दी जल जाता है, जहाँ रखते हो जगह भी ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों हमारी मोमबत्ती लंबे समय तक के चले, लंबे टाइम तक के चले, आपको ले लेना है सरसों का तेल। बस सरसों का तेल ले लेना है, मोमबत्ती के ऊपर रब कर लेना है, और रब करने के बाद अब आप देखेंगे ना जहाँ भी हम रखेंगे इस तरीके से इसको प्रेस कर लेना है, तेल थोड़ा लगा लेना है। तेल मैं इसलिए दोस्तों लगा रही हूँ कि अब आप देखेंगे, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा जब भी समझ में आने वाला है। और लगाने के बाद मैं इसको जला लेती हूँ। तो चलिए मैंने इसको जला लिया है, अब जलाने के बाद मैं दिखाती हूँ कि ये जो मोमबत्ती आपका पहली बार तेल लगाने से काफ़ी लंबे समय तक की चलती है, और दूसरा ये जो मोमबत्ती का ये पिघला हुआ टपकता है बहुत कम टपकेगा, और टपकेगा तो जहाँ पे मैंने तेल लगाया हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो तेल लगा हुआ है दोस्तों ये जो टपकेगा ना ये हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं टपका के दिखाती हूँ कि जहाँ पर मैंने मोमबत्ती टपकाया हुआ है, तो तेल लगाया हुआ है, तो बहुत इजीली तरीके से यहाँ की जो मोमबत्ती है ना ये आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल जो पिघल के गिरा हुआ है बहुत इजी तरीके से ये छूट जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे हाथ में बिल्कुल ही मैंने लिया हुआ है। तो दोस्तों जब भी मोमबत्ती आप इस तरीके से जलाएं रखें, तो ये छोटा सा ट्रिक है, इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत इजीली तरीके से छूट जाता है, और आपका टाइम भी, पैसे भी, वक्त भी बहुत बचने वाला है। तो दोस्तों मैं यही भी अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ, इसमें से टिप और एंड टिप आप सभी कौन सा पसंद आए, अगर टिप जरा से भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।